हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ज्यूरिसप्रूडेंस के पिछले दो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और दूसरे लेक्चर में आपको हमने फंक्शनल स्कूल के बारे में बताया था, आज हम इस स्कूल से ही एक अगला टॉपिक है एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल को इम्परेटिव स्कूल भी बोला जाता है। अब ये इम्परेटिव स्कूल क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, इसकी धारणा क्या है, तो आइंस्टीन तथा उनके साथी आंग्ल विधि शास्त्र के प्रेरणा थे। इस विचारधारा को इंग्लैंड में प्रमुखता प्राप्त है, ठीक है। इस विचारधारा के अनुसार विधि संप्रभु की आज्ञा, मतलब इम्परेटिव और कमांड है। विधि एक श्रेष्ठ निकाय द्वारा उन व्यक्तियों के लिए किया गया आदेश या नियम है जिसके अनुपालन के लिए आदेश व नियम बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि विधि वह एक अच्छा निकाय है उन व्यक्तियों के लिए जो इस आदेश या निकाय का पालन नहीं करते उनके लिए, तथा श्रेष्ठ निकाय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों की अवज्ञा या उल्लंघन की दशा में पेनल्टी का दंड की व्यवस्था करता है। मतलब एनालिटिकल स्कूल ये कहता है कि विधि जो है उन व्यक्तियों के लिए है जो विधि के अनुसार कार्य नहीं करते, उसके अनुरूप कार्य करते हैं, तो उनको दंड देने की व्यवस्था विधि के अनुसार इसमें की गई एनालिटिकल स्कूल में। विधि शास्त्री का कार्य इन आदेश समादेश या नियमों पर नियमों को जैसे वे अधिरोपित किए गए हैं, मतलब जैसे जैसे वो सेक्शन में लिखे गए हैं वैसे उनका विश्लेषण करना है, उसी हिसाब से उनके ऊपर अपराध किस सेक्शन के खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज होगा। अर्थात विधि शास्त्री का कार्य विधि जैसी है, मतलब लॉ एज इट इज़ है, जैसा लॉ है वैसे ही रूल, तथा इसका आधारभूत परिकल्पनाओं का विश्लेषण और इनका वर्गीकरण करना, इनका एक दूसरे से संबंध स्थापित करना कि जैसा जिसने अपराध किया वैसे ही उसको उस हिसाब से पेनल्टी या सजा मिली। विधि शास्त्रों की विधि कैसी होनी चाहिए, व्हाट लॉ ऑट टू बी, से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए इस विचारधारा को विध्यात्मक अधिरचित या आज्ञापक विचारधारा भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब अब देखिए, कहने का मतलब है कि विधि शास्त्री को विधि कैसी होनी चाहिए, विधि शास्त्री की विधि कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए उसको सजा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का अपराधी कृत करता है उसको उसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। जैसे अब देखिए, धारा 299 भी है और धारा 300 भी है, एक है कपेबल होमोसाइड है और एक है मर्डर, तो दोनों की बातें लगभग सेम है, लेकिन 300 वाले में डिग्री ज़्यादा हाई हो जाता तो उसमें अधिक सजा है, उसमें कम सजा है। यह विचारधारा विधि को संप्रभु की आज्ञा समादेश आदेश मानती है। जो ये इस विधि की जो विचारधारा है वो संप्रभु की आज्ञा समादेश आदेश मानती है, इम्परेटिव मानती है। इस विचारधारा का संबंध भूतकालिक या भावी विधि से अपना संबंध नहीं रखते, भविष्य या भावी विधि से संबंध रखते, इनका संबंध जैसी विधि अस्तित्व में है से होता है। इस विधि का संबंध जैसी विधि अस्तित्व में है वैसा ही होता है, इसलिए इस विचारधारा को पॉजिटिव स्कूल भी कहा जाता है, मतलब पॉजिटिव स्कूल, एनालिटिकल स्कूल या इम्परेटिव स्कूल भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड में जो विधि शास्त्री हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे समाज के अंदर बदलाव होता है वैसे वैसे अपराधों का भी स्तर बढ़ता है, तो जैसे जैसे अपराध बढ़ते जाए उसी हिसाब से उनकी सजा को भी प्रावधान करना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए और उसी हिसाब से विधि बनानी चाहिए। ये नहीं कि पिछले कई सालों से जो विधि चली आ रही है उसी हिसाब से, ठीक। तो ये हमारा एनालिटिकल स्कूल था। अब देखिए कि मेन कॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ एनालिटिकल स्कूल, इसका मेन कारण क्या था, इसके एनालिटिकल स्कूल के आने का प्रमुख कारण क्या था, तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तथा विधि शास्त्री की विचारधारा में नेचुरल लॉ की प्रमुखता थी 18वीं शताब्दी में। और विधि शास्त्री ये मानते थे कि नेचुरल लॉ सर्वोच्च थी तथा वह मानव निर्मित विधि के ऊपर है, प्राकृतिक विधि के अर्थ तथा परिभाषा में एकरूपता नहीं थी। विभिन्न विधि शास्त्री प्राकृतिक विधि की परिभाषा तथा उसके सिद्धांतों के आधार क्या हैं,
इस विषय पर एक राय नहीं थे। अब कई लोगों के इन विधियों पर एक राय नहीं थे। विश्लेषणात्मक विचारधारा विधि की अवधारणा की अनिश्चितता की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ और जैसे जैसे समाज के अंदर बदलाव आता गया उस हिसाब से बाहर के देशों में ये चीज़ें विकसित होती नहीं, बदलाव होता रहा। अब जैसे आपने सुना होगा कि जापान में कोई बहुत कम लोग ही बंदूक रख सकते हैं, सब लोग बंदूक नहीं रख सकते, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि अगर जिस व्यक्ति को लाइसेंस मिल जाता है वो बंदूक रख सकता है। अब जिसे विधि मतलब इस विधि का भौतिक विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इफेक्ट ऑफ फिजिकल साइंस क्या पड़ा, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हुई, विधिक विज्ञान पर अपना प्रभाव छोड़ा। विधिक विज्ञान पर भौतिक विज्ञान ने प्राकृतिक विधि को आदिकालीन समान से विशिष्ट दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। नेचुरल लॉ के अनुभव सिद्ध एपोस्टरी विशिष्ट से समान दृष्टिकोण को अपनाया। तत्कालीन विधि शास्त्रियों ने विधि के सुव्यवस्थित प्रगतिशील अध्ययन की वकालत की। उन्होंने अनुभव सिद्ध दृष्टिकोण अपनाकर प्राकृतिक विधि की मानक पद्धति को अस्वीकार कर दिया जो अनुभव सिद्ध वस्तु सब्जेक्टिव कारकों पर निर्भर था। दूसरी ओर विश्लेषणात्मक विधि शास्त्रीय विद्यात्मक विधि या सकारात्मक विधि पर अधिचित विधि विश्वास करते थे जो सुनिश्चित या निर्धारित किया जा सकता था तथा जिसका आधार अनुभव सिद्ध कारक थे। अब देखिए फिजिकल इफेक्ट ये पड़ा कि जैसे जैसे समाज के अंदर बदलाव आता गया वैसे वैसे विधि शास्त्रियों ने विधियों को भी संशोधन किया, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए कि बहुत सारे चेंजमेंट आ रहे थे। ठीक है, अब आता है पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक विज्ञान क्या पड़ा। विश्लेषणात्मक विचारधारा की स्थापना पोप की सत्ता के स्थान पर सम्राट की सत्ता की शक्ति को उचित ठहराने के लिए हुई थी। विश्लेषणात्मक विचारधारा का विकास आधुनिक राष्ट्रों में आध्यात्मिक सत्ता के पतन के साथ साथ हुआ। आधुनिक राष्ट्र पोप के हस्तक्षेप पर स्वतंत्र हुए थे। पोप के हस्तक्षेप के कारण अब तक सम्राट की सत्ता या शक्ति सीमित है। अगर पोप हस्तक्षेप नहीं करते तो उनकी सत्ता अभी तक सीमित रहती। अब जैसे राजा का प्रचलन खत्म हो गया, ये किस कारण हुआ, विधि के कारण ही। ठीक, अब देखिए, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको एनालिटिकल स्कूल और उसके डेवलप होने की क्या कारण है इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दिएगा, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको समझ में आए। तब तक के लिए थैंक यू।